क्या सच में शिव मंदिर में मिला हजारों साल पुराना सोना? कहां से और किसका है ये सोना? जी हाँ, तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली के शिव मंदिर में सोने का खजाना मिला है। दरअसल इस जिले में जम्बूकेश्वर मंदिर बहुत ही प्रचलित शिव मंदिर है, जिसके अंदर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। और इस मंदिर के पास में खुदाई करने के दौरान एक तांबे का घड़ा मिला। जब घड़े को खोलकर देखा गया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। इस घड़े को खोलकर देखा गया तो इसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। जमीन के अंदर मिले घड़े में कुल 505 सिक्के थे, जिनका वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा था। जैसे ही मंदिर के प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। घड़े को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मंदिर अधिकारी ने बताया कि 505 सिक्के में से 504 सिक्के समान आकार के हैं, जबकि उन सिक्कों में से एक सिक्का बाकी सबसे बड़ा है। इन सिक्कों पर अरबी लिपि के अक्षर में कुछ लिखा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिक्के 10वीं और 12वीं शताब्दी के हो सकते हैं। वही मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण करीब 1800 साल पहले हुआ था। मंदिर के पास जब खुदाई की गई तो करीब 7 फीट नीचे कुछ टकराने की आहट हुई। निकलने पर पता चला कि वह एक तांबे का घड़ा था, जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वही जानकारों का कहना है कि इन सिक्कों की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।